एक्ट्रेस एंड प्यार की एक कहानी फेम एंड विवान द सेनाज एक्स वाइफ द हबल स्टेबल जी सेलिब्रेट्स किस्मत विद फ्रेंड्स एंड लुक एट द हर फुल हाउस डेकोरेशन एंड हर इंटरव्यू जुराब जी वेलकम टू माय हाउस आइए मेरे क्रिसमस मनाइए हैप्पी क्रिसमस थैंक यू विश यू द सेम एंड ओ बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया आपने क्रिसमस ट्री मैंने क्रिसमस के लिए बहुत सारी तैयारी की है आज मैंने आप देख सकते हैं मैंने क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया है मैंने घर डेकोरेट किया है तो प्लीज कम सेलिब्रेट क्रिसमस विद अस सेंटा बहुत ही क्यूट एंड छोटू सा बनाया या ये बहुत अच्छा है ये एक्चुअली गिफ्ट था गिवी से या एंड आई यहाँ मैंने इतनी यू नो मेहनत से क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया है आप देख सकते हैं और यहाँ भी मैंने कुछ चीजें की हैं कुछ सम कटआउट्स एंड ऑल यस कैन आई शो दिस बट हॉल क्लियर नहीं है बैठ के बात Okay. आप दिखा सकते हो पर्दे भी दिखा सकते हो आप बता सकते हो हाँ तेरा वो स्टैंड में अच्छा नहीं हाँ क्यों वो नहीं आएगा ये साइड से चले जाएंगे ओके कम हाँ कम यार इस बार मैंने थोड़ा कुछ अलग किया है आई हैव आल्सो पुट सम क्रिसमस पिलो कवर्स आप देख सकते हैं थोड़ा सा और एडिशन करना था मुझे घर में और हमने ये क्रिसमस के यू नो कर्टन्स भी लाए हैं घर बहुत ही क्रिसमस फील दे रहा है yes. ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है वैरायटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट तो जरा इसके बारे में कुछ बताइए हमें वेल मैं ना हर साल ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ नई 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 डेकोरेशन यू नो लगाऊँ तो आप देख सकते हैं इस साल ना मैंने ऑनलाइन से बहुत शॉपिंग करी है मैंने आप देख सकते हैं ये जो है ना सैंटा या दीज आर एक्चुअली लाइट्स मैंने सैंटा लाइट्स मंगाए हैं एंड जब रात को यू नो जब लाइट्स बंद हो जाते हैं यू कैन ओनली सी द लाइट एंड यहाँ ऑब्वियसली हम अलग अलग डेकोरेशन करते हैं यूजली मैं यहाँ स्टार डालती हूँ लेकिन इस बार मैंने थोड़ा अलग किया है आई जस्ट पुट अ नाइस मैरी क्रिसमस हैंगिंग इन हियर वी हैव अ स्मॉल लिटिल स्नोमैन यू कैन सी इतने प्यारे प्यारे हैं यहाँ एक प्यारा सा कैंडल है और ये सब यू नो शाइनी डिस्को बॉल्स बिकॉज यू नो क्रिसमस इज ऑल अबाउट कलर रेड गोल्ड वाइट और ये जो कॉटन मैंने डाला हुआ है लाइक दैट्स टू गिव द इफेक्ट ऑफ द स्नो जैसे हमेशा स्नो होता है एंड दिस इज मेरा सबसे प्यारा सैंटा छोटू वाला जो मेरी एक और एडिशन आया है एंड ये बहुत क्यूट है ये मैं दिल्ली से लाई थी इतना क्यूट सा स्नोमैन और ये एक सैंटा क्लॉज भी मैंने पिक अप किया था ये भी बहुत ये बहुत क्यूट है एक्चुअली ये आप देख सकते हैं थैंक यू विच यू द सेम थैंक यू सो मच येस दिस जैसे कि आपने देखा हमारे घर में बहुत क्रिसमसी फील है इस बार मैंने वो ट्री डेकोरेट किया है मैंने वहाँ भी और डेकोरेशन डाले हैं या हमने क्रिसमस के पर्दे डाले हैं सो वी आर ऑलरेडी फीलिंग वेरी क्रिसमसी एंड ऑफकोर्स नथिंग इन लाइफ इज़ कम्प्लीट विदाउट योर फैमिली तो और इस साल और भी खास है क्योंकि मेरी दादी मेरा भाई मेरी भाभी मॉम डैड सब लोग यहाँ हैं सो ऑब्वियसली रात को भी सेलिब्रेशन होंगे वी प्रॉब्ली गो फॉर डिनर और प्रॉब्ली गो टू माउंट मैरी तो बहुत मज़ा आएगा हाँ और मेरा ये ट्रेडिशन है यहाँ आई एम श्योर ठीक है ये मेरा ट्रेडिशन है कि हर साल मैं 12 बजे माउंट मैरी जाती हूँ जी ऑफ कोर्स वेल एवरीबडी इज़ नॉट देयर हर सब सॉरी
घर पे सब लोग नहीं है लेकिन मेरा भाई और मेरी सिस्टर इन लॉ है एंड आई रियली वांट टू कॉल देम कम गाइस सो पतली हो कहीं भी बिट हो जाती है तो ये है श्रेया हेलो हाय एंड दिस इज माय ब्रदर डैनियल मैरी क्रिसमस सेम टू यू थैंक यू ये सब ही क्रिसमस के या हम लोग ऐसे सभी ने प्लान किया था पहले से नहीं नॉट रियली अपने आप हो जाता है दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्लान किया मुझे नहीं पता बट यार आज क्रिसमस ईव है तो रेड तो पहनना ही पड़ता है सो क्या कुछ करने वाले आज के शाम Well, we're planning for dinner and we're planning to... Babi's hi plan karti hai. Aur... So we don't know, abhi pata nahi Babi's kaha leke jayegi. Mere pe hi thop dete hai sab, mujhe nahi pata, like basically. Oh God, what are you saying? Sweet boss? I swear, ek to main zara kaam karu. The best sweet boss. नहीं लाइक ऑब्वियसली ये लोग पुणे से है तो जब भी बॉम्बे आते प्लानिंग मेरे ऊपर डाल देते हैं बट आई एम श्योर वी एज लॉन्ग एज वी स्पेंड टाइम टुगेदर फैमिली डिनर पे जाएंगे और एज आई सेड अगर हो पाया तो माउंट मैरीज जाएंगे लेट्स सी हमने कुछ भी नहीं किया आप डेकोरेशन पे बात करेंगे क्या नहीं ये मैंने किया ये लोग बॉम्बे इंग्लिश हम हर साल एक्चुअली सब फ्रेंड्स मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स सब तो हम वो ओल्ड मैन लाइक यू नो बनाते थे तो उसको 25th को लाइक यू नो उसके पहले बनाते थे फिर उसके बाद 31st नाइट को हम उसको जला देते थे और दैट इज़ व्हाट द ट्रेडिशन वॉज तो हम हर सबके घर पे जाते थे और यू नो ऐसे कुछ कलेक्ट करते थे सब चीज़ें और फिर हम लोग 25th को भी टाइम उसी पैसे से हम लाइक बारबेक्यू या कुछ ना कुछ टाइम पास कर देते थे और 31st नाइट को भी उसी से टाइम पास कर लेते थे तो वही मेरा सबसे बेस्ट मेमोरी रहा है लाइक हर साल हम वो करते थे ये कुछ अलग ही है मैंने नहीं सुना है या हम हर साल फैमिली के साथ But school days, you remember anything from school? वैसे भी हम इसको बोलते कि वो बुढ़ा है उसको कुछ याद ही नहीं आता वो बर्निंग मेमोरी है इसकी मेमोरी मतलब इतनी खराब है लाइक यू नो तो अभी उसको वो भी याद नहीं आ रहा अरे यू डोंट रिमेंबर वी यूज्ड टू राइट लेटर्स एंड ऑल स्कूल में आप स्कूल गए थे इनको कुछ याद नहीं ये क्या है इसको कुछ याद ही नहीं आता यार रियली वेल एज लॉन्ग एज मुझे याद है मम्मा हम दोनों को बोलती थी कि राइट योर लेटर्स एंड वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम सांता क्लॉज एंड वी टू राइट आर लेटर एंड वी टू पुट इट इन द स्टॉकिंग और जब 25th पे हम उठते थे लाइक क्रिसमस ट्री के वहाँ सारे गिफ्ट्स रखे होते थे और जो भी हमने पूजा था वही गिफ्ट मिलता था सो आई ऑलवेज थॉट सांता क्लॉज एग्जिस्टेड एंड दीज मेमोरीज हैव ऑलवेज बीन देयर इन माय हार्ट अच्छा सांता से याद है अगर सांता से वेल मैंने तो ऑलरेडी सांता क्लॉज ने मुझे एक बहुत बहुत प्यारा गिफ्ट दिया इस साल मैं मेरी इतनी मुराद थी और लाइक मेरी झोली में गिर गया सो आई विल शो यू जस्ट कट द शॉर्ट वन मिनट रानी मैं ना इंटरव्यू ग्रैंड रेनू जरा मार्जिन को ला मुझे एक मिनट रानी कम फास्ट This is my mother. Calling Daniel.
तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि सांता आपके दिल की मुराद पूरी करता है. मुझे हमेशा से एक कैट चाहिए थी. मैंने अपने दोस्तों को, फैमिली को, सबको बोला था, आई वांट अ कैट. एंड अचानक से ये हमें पूना में मिली. लाइक ये एक्चुअली लॉस्ट थी और मेरे पापा को मिली एंड आई अडॉप्टेड हर. लाइक लिटरली ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी, इनको पता है. एंड आई वॉन्टेड अ पर्शियन कैट. उड तो फिर ये आई कहीं से, तो ये सांता क्लॉज ने गिफ्ट दिया है ना. या सो आई वांटेड यू गाइस टू सी. बहुत बहुत या वाओ. सो दैट्स इट. या वेल आई एम गोइंग टू बाली. तो मैं तो बाली जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ धमाल करने वाली. नहीं सो आई एम गोना हैव अ ब्लास्ट. हम काफ़ी दोस्त जा रहे हैं, 8-10 लोग हैं. गोना हैव लाइक लॉट्स ऑफ फन. वेल अभी तो ऑनेस्टली मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, लाइक सिर्फ टीवी से रिलेटेड नहीं. मैंने लास्ट ईयर एक शो किया था, शो विज गाबीज, ओके उसके चैनल. लाइक मैंने लास्ट ईयर टॉक शो किया था एंड अब मैं लाइक बहुत सारी अलग चीज़ें कर रही हूँ. मैं इवेंट्स कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरा इंस्टाग्राम से बहुत सारा ब्रांड आए आपसे हैं. तो मैं बहुत सारा अलग काम भी कर रही हूँ एंड ऑफकोर्स एक्टिंग का कुछ अच्छा ऑफर आया तो इंस्टाग्राम. वेल ये तो ऑलरेडी मॉडल ही है एक्चुअली, ये भी मॉडलिंग करती है. बट इट्स देयर विश, लाइक इवेंचुअली हमारी फैमिली में लाइक द बेस्ट पार्ट इज वो लोग हमें हमारे ड्रीम्स जीने देते हैं. तो इट्स लाइक ए देयर विश. एक्चुअली मैं पहले करती थी, जब मैं बॉम्बे में थी तो मैंने थोड़े शोज किए थे, लेकिन अब पुणे जाने के बाद इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑडिशन सब यहाँ पर होते हैं. सो मैं फिर भी वो कर रही है, बट स्टिल पुणे में जो होता है आई डू लाइक. कभी कभी नेवर. नो नॉट रियली. नॉट रियली एक्चुअली ही इज अ बिजनेसमैन. लेकिन हम दोनों ने 2-3 एड्स साथ में करी हुई है. लेकिन बट ही इज इनटू बिजनेस. थैंक यू. ओके आई विल से विशिंग ऑल द व्यूअर्स एंड देन वी विल ऑल से मैरी क्रिसमस. विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ मैरी क्रिसमस. बम्बल्ड. हैप्पी न्यू ईयर पीपल. Let's say happy. You already fumbled. I said no. You said something else. After that, happy new year. Happy new year. Okay. Wishing all the viewers a merry Christmas and a happy new year. It's a there's a quote from Nelson Mandela.